चलिए आज हम बताएंगे अपने स्टूडेंट को कि किस प्रकार से फ्रिज के सारे इलेक्ट्रिक पार्टों को चेक किया जाता है, यानी बिल्कुल हम मल्टीमीटर और फ्रिज दोनों से बताने वाले हैं कि फ्रिज के जो इलेक्ट्रिक पार्ट लगते हैं ना उनको किस प्रकार से चेक किया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको क्या दिख रही है, ओएलपी है, ठीक है ना, ये हमारी ओएलपी हो गई, आपका ये थर्मोस्टेट हो गया, ये क्या हो गया डोर स्विच, ये क्या है बल्ब है, और ये क्या है रिले है, समझ रहे ना, हमारे क्या है रिले, और ये क्या है कंप्रेसर है, समझ रहे ना, यानी फ्रिज के अंदर जो भी आपके इलेक्ट्रिक पार्ट लगते हैं इतना ही होते हैं, ठीक है। अब हमें इनको चेक करना है कि हमारे सही है कि नहीं है, तो आप चाहे तो किससे चेक कर सकते हैं, मल्टीमीटर से यानी क्लैंप मीटर से भी चेक कर सकते हैं, आप चाहे तो सीरीज से चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी हमें किससे चेक करना होगा, सीरीज से, तो हमें क्या करेंगे, आपका ये जो सॉकेट है किसका है, सीरीज का है, अब इसमें हमें इसको लगा लेना होगा, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको बटन को चालू करेंगे और इसके बाद यहाँ से हम चेक करेंगे, ठीक है ना, अब हमें चेक करना होगा। अब देखिए सबसे पहले मान लेते हैं कि आपके अंदर जो फ्रिज के अंदर क्या लगा हुआ है, बल्ब है, ये बल्ब आपका सही है कि नहीं है, तो इसको हम कहाँ रखेंगे, एक को एक पॉइंट पे दूसरे को दूसरे पॉइंट पे, बल्ब क्या हो रहा है जल रहा है, यानी बल्ब हमारा बिल्कुल क्या है सही है, किससे चेक कर रहे हैं सीरीज से, ठीक है ना। इसके बाद आप किसको चेक करेंगे, ये क्या है थर्मोस्टेट है, ठीक है, थर्मोस्टेट के दोनों पॉइंटों को, दोनों पॉइंट है, थर्मोस्टेट का एक पॉइंट इन करते हैं दूसरे से क्या करते हैं आउट करते हैं, किसी से इन और किसी से क्या कर सकते हैं आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम रखेंगे तो बल्ब क्या होना चाहिए, जलना चाहिए, बल्ब जल रहा है ना, यानी ये अभी ऑन है, अब हम इसको क्या करेंगे ऑफ करेंगे, चलिए ऑफ करिए, ऑफ करिए पूरा, हाँ देखिए आवाज आई हल्का सा, यानी कि क्या हो गया ऑफ हो गया, फिर ऑन करिए हल्का सा ऑन हो गया, यानी ऑन ऑफ अगर हो रहा है, यदि इस प्रकार से ऑन ऑफ हो रहा है और सीरीज का बल्ब जल रहा था, इसका मतलब थर्मोस्टेट क्या है सही है, लेकिन इसको हम 100% नहीं मानेंगे, इसको हम क्या करेंगे 100% नहीं मानेंगे। अब इसके लिए हमें इसके पूंछ को, ये जो थर्मोस्टेट की क्या होती है पूंछ होती है, इसको ध्यान से हमें क्या करना होगा, देखना होगा कि कहीं से कटी तो नहीं है, हुई नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये वो ऑपरेटर से क्या होती है टच होती है, अगर ये वो ऑपरेटर से टच नहीं होगी तो आपका फ्रिज अच्छे से मतलब कूलिंग को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, समझ रहे ना, इसीलिए इसके अंदर SO2 गैस अवश्य होना चाहिए, तो इसको ध्यान से हम क्या करेंगे देख लेंगे, यदि ये सही है तो थर्मोस्टेट बिल्कुल क्या है सही है, ठीक है ना। इसके बाद इसके अंदर देखेंगे ये वाला जो पॉइंट होता है ना, ये किसके लिए होता है डिफ्रास्ट के लिए होता है, यदि आपका बहुत ज्यादा क्या हो रहा है बर्फ जम रहा है, फ्रिज के अंदर बहुत ज्यादा क्या जम रहा है बर्फ जम रहा है, तो इसको हमें क्या कर देना होता है दबा देना होता है, जैसे ऐसे इसमें से आवाज आ रही है, कुछ आवाज आ रही है देख रहे हैं ना, यदि ऐसे आवाज आ रही है तो इसका मतलब कि हमारा डिफ्रास्ट हो रहा है, डिफ्रास्ट हो रहा है, इसीलिए अगर फ्रिज में बहुत ज्यादा बर्फ जम रही है तो इसको 2-3 महीने में एक बार क्या कर देना चाहिए दबा देना चाहिए, चाहे बर्फ जमे या न जमे, इस प्रकार से इसको आप चेक कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद हमें किसको चेक करना होगा, दो चीज आपने चेक कर लिया, ये क्या है डोर स्विच, अब डोर स्विच के दोनों पॉइंटों पर हम क्या करेंगे रखेंगे इस प्रकार से, देखिए जल रहा है, यानी कि इसकी नोब जो आगे की जो नोब होगी यदि सामने की साइड से ऐसे क्या है खुली हुई है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल क्या है सही है। अब हमें क्या करना होगा कि नोब को क्या करेंगे दबाएंगे, ऐसे दबाएंगे तो हमारा बल्ब नहीं जलना चाहिए, फिर छोड़िए जलना चाहिए, यानी इस प्रकार से वर्क हो रहा तो बिल्कुल हमारी क्या है डोर स्विच बिल्कुल सही है, ठीक है ना। आपने डोर स्विच को चेक कर लिया, इसके बाद किसको चेक करेंगे ओएलपी में, ओएलपी में आप देखेंगे कि इधर से क्या किया जाता है इन किया जाता है और इधर से हमारा क्या किया जाता है आउट किया जाता है, ठीक है, क्योंकि कंप्रेसर के अंदर लगता है, तो हम सीरीज के एक तार को एक पॉइंट पर रखेंगे और दूसरे को दूसरे पॉइंट पर रखेंगे, तो बल्ब जल रहा है यानी ओएलपी बिल्कुल क्या है सही है, ठीक है। इस प्रकार से ओएलपी को चेक कर लेंगे, ये हमारी कौन सी ओएलपी है गोल्ड वाली ओएलपी है, ठीक है। अब इसके हम यहाँ पर रखते हैं दोनों पॉइंटों पे, देखिए नहीं जल रहा है ना, यानी खराब का भी आपको पता चल गया, यदि इस प्रकार से दोनों पॉइंटों पर खरे नहीं जल रहा है तो मतलब ओएलपी क्या है खराब है, क्लियर हो गया। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं कि ओएलपी हमारी सही है कि नहीं है, यहाँ पर रखेंगे और एक तार, देखिए इस पे लगाते हैं तो बल्ब क्या हो रहा है जल रहा है, इसका मतलब ओएलपी बिल्कुल क्या है सही है, और दूसरे को जब हम चेक करेंगे इस प्रकार से तो ये क्या है खराब, क्लियर है। इस प्रकार से आप क्या करेंगे चेक कर लेंगे कि ओएलपी, ये सारे आपकी क्या है ओएलपी है, सबका चेक करने का तरीका सेम टू सेम। अब हमें क्या चेक करना होगा रिले, ये कौन सा रिले, पीटीसी रिले, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा कि इनके दोनों पॉइंट होंगे, इसके दो क्या होंगे पॉइंट होंगे, इन दोनों पॉइंटों में हमें
देखिए इस रेले के अंदर दो होल होंगे, कितने दो होल होंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, इसको चेक करना होगा। अब चेक करने के लिए हमें क्या करेंगे, इसके दोनों पॉइंटों का ऐसे सीरीज के दोनों तारों के यहां पर डालेंगे, सीधा पकड़िए इसको ऐसे, इसके अंदर हम इसके डालेंगे सीरीज के दोनों तारों को। देखिए जब हम ऐसे डालें तो सीरीज का बल्ब क्या हो रहा है, जल रहा है, ठीक है। इसका मतलब हमारा ये रिले बिल्कुल क्या है, सही है, ये रिले बिल्कुल क्या है, सही है। अब 100% इसको चेक करना है कि ये सही है कि नहीं है। इसके लिए हम इसको क्या करेंगे, कान के पास ऐसे बजाएंगे। यदि इसके अंदर से आवाज आ रही है, अगर ऐसे हम हिलाएंगे, अगर इसके अंदर से क्या आ रही है, आवाज आ रही है, तो इसका मतलब रिले आपका क्या है, खराब है। ये रिले क्या है, खराब है। ये किसकी चेकिंग होती है, पीटीसी रिले की, ठीक है। और इसके बाद आपका क्या आ गया, कंप्रेसर। फ्रिज के अंदर जो अगला पार्ट लगता है कौन सा लगता है, कंप्रेसर होता है। तो इसको चाहे तो फ्रिज से आप क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं तीनों टर्मिनलों को फटाफट। देखिए जल रहा है, जल रहा है। अब बॉडी अब देखना है तो यहां पर रखेंगे, यानी सीरीज के एक तार को इसके बॉडी पे रखेंगे जहां पर पेंट और पॉलिश न हो, और दूसरे को सीरीज के दूसरे तार से तीनों पिनों को बारी बारी चेक करेंगे। देखिए तीनों पिनों को बारी बारी क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये कंप्रेसर बिल्कुल बॉडी यार नहीं है, समझ रहे ना। तो कर लेंगे, चेक कर लेंगे कि फ्रिज के अंदर हमारे सारे पार्ट सही हैं कि नहीं, इसका चेक करना बड़ी बात नहीं होती है। जिस प्रकार से आप फ्रिज से चेक करेंगे उसी प्रकार से आप किससे चेक कर लेंगे, मल्टीमीटर से चेक करेंगे, समझ रहे ना। तो मल्टीमीटर क्या बताएगा, कंटिन्यूटी बताएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, समझ में आया कि नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, चेक कर लेंगे कि किस प्रकार से फ्रिज के अंदर लगे सारे इलेक्ट्रिक पार्टों को चेक किया जाता है, ठीक है। तो इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल और सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।